और कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में, और इसके बारे में देखेंगे कि ये यूनिट्स हैं किस कौन सी किस किस के बराबर होती है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मैंने सब कुछ बोर्ड पर लिख दिया है और मैं इसको आपको पढ़ पढ़ कर बता भी दूंगा, समझा भी दूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। शेयर करने से ये फ़ायदा होगा कि जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है उनके पास भी ये वीडियो पहुंचेगी और उनको भी लाभ होगा। इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर। 1,000,000 × 10^6 के बराबर होता है, 1,000,000,000 × 10^9 के बराबर होता है, 1,000,000,000 × 10^12 के बराबर होता है, 1,000,000,000 × 10^15 के बराबर होता है, 1 किलोमीटर 1,000 मीटर के बराबर होता है, 1 मील 1.6093 किलोमीटर के बराबर होता है, 1 हेक्टेयर 1,000 मीटर² के बराबर होता है, या फिर 2.471 एकड़ के बराबर होता है, 1 एकड़ 4940 यार्ड² के बराबर होता है, या फिर 1 एकड़ 4046.86 मीटर² के बराबर होता है, 1 मीटर 39.37 इंचेस के बराबर होता है, 1 यार्ड 91.44 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या फिर 1 यार्ड 0.9144 मीटर के बराबर होता है, 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 0.3048 मीटर के बराबर होता है, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर 10^-3 मीटर के बराबर होता है, या 1,000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर 10^-6 मीटर के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर 10^-9 मीटर के बराबर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर के बराबर होता है, 1 पिकोमीटर 10^-12 के बराबर होता है, 1 फेंटोमीटर 1 पिकोमीटर 10^-12 मीटर के बराबर होता है, 1 फेंटोमीटर 10^-15 मीटर के बराबर होता है, या 10^-9 नैनोमीटर के बराबर होता है, 1 एटोमीटर 10^-18 मीटर के बराबर होता है, 1 टन 1,000 किलोग्राम के बराबर होता है, 1 पौंड 453.6 ग्राम के बराबर होता है, 1 औंस 28.3 ग्राम के बराबर होता है, 1 गैलन 4.546 लीटर के बराबर होता है, 1 US गैलन 3.785 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर 1 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर होता है, 1 डाल्टन 1.66 × 10^-24 ग्राम के बराबर होता है, जो कि एक हाइड्रोजन एटम के द्रव्यमान के बराबर है। इस प्रकार आज हमने कई सारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा है। मेरे यूट्यूब चैनल गजकेसरी बायो क्लासेस के लिए को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जिन बच्चों के पास मेजरमेंट्स के बारे में नहीं पता है उनको भी इसके बारे में पता चले, और जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घर बैठे हैं, और वो भी अपने YouTube में देखकर अपनी पढ़ाई चालू कर सकें।